नून लीग ने मलिक मोहम्मद अहमद खान को पंजाब असम्बली का स्पीकर और इकबाल चन्नड़ को डेप्टी मुंतखब करवाकर सूबे पर अपना किला मजबूत कर लिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 224 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार अहमद खान भच्चर 96 वोट हासिल कर सके। दो वोट मुस्तरद मुस्लिम लीग नून के जहीर इकबाल चन्नड़ 220 वोट लेकर डेप्टी स्पीकर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुईन रियाज कुरैशी ने 103 वोट लिए। स्पीकर मलिक सप्तैन खान ने नतीजे का ऐलान करने के बाद नए स्पीकर और डेप्टी स्पीकर से हलफ लिया। वजीर आला पंजाब का इंतखाब पीर के रोज होगा। मरियम नवाज नून लीग की जानिब से वजारत आला की उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील कर लिया। मियाँ असलम इकबाल हलफ उठाने असम्बली ना पहुँच सके। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से राना आफताब अहमद खान वजारत आला के उम्मीदवार होंगे। मैं तहे दिल से हलफ उठाता हूँ, मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सेवन असम्बली के स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब आज सुबह होगा। 168 नौ मुंतखब अरकान में से 147 ने हलफ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के 111, एमक्यूएम पाकिस्तान के 36 अरकान शामिल। जमात इस्लामी, जीडीए और पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान हलफ लेने नहीं आए। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की नौ मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। नौ मुंतखब अरकान ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी जबान में हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी के नामजद स्पीकर सैयद अवैस शाह और डेप्टी स्पीकर नवीद एंथनी के कागजात दुरुस्त करार। वजीर आला सिंध के लिए नामजद सैयद मुराद अली शाह की हलफ बरदारी पीर को मुतवक्के। हलफ बरदारी सिंध असम्बली में अफरा तफरी। शहर के मरकजी हिस्से में स्पीकर ऐवान में ऑर्डर ऑर्डर करते रह गए। नारेबाजी, तल्ख कलामी, पकड़ धकड़, हाथापाई और लाठीचार्ज से कराची का ट्रैफिक ऑर्डर खराब हो गया। असेंबली के बाहर, शहर के अंदर शारे फैसल पर और कराची के कुछ एंट्री पॉइंट्स पर मुबैना धांधली के खिलाफ ऑपोजिशन जमातों का एहतजाज। खवातीन कारकुनों और खवातीन पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई, पुलिस का लाठीचार्ज, खवातीन समेत कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। शारे फैसल पर JUIF का धरना, पुलिस की कारकुनों पर चैलेंज और लाठीचार्ज। JUIF के राशिद महमूद सुमरो भी जख्मी। मुजाहिरीन को सिंध असम्बली पहुंचने से रोकने का प्लान कराची वालों के लिए मुसीबत बन गया। शारे फैसल, राशिद मिनाज रोड, डालमिया, यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गई। शहरी सड़कों पर फंस कर रह गए। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। शाम ढले, एहतजाज खत्म हुआ, तब सड़कें खुली। हजार 18 के मुकाबले में इस इलेक्शन में 2000 ये जो अभी इलेक्शन गुजरा है, मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा फर्क तो नहीं है। मगर जो हैरान कन बात है कि वो सियासी जमाते जो दांडली के बगैर जीत नहीं सकते, जिनका पूरा सियासत दांडली पे मबनी है, वो आजकल दांडली के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। वो एहतजाज अगर कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि मजीद धांधली होना चाहिए था और उनको भी इक्का दिक्का सीट दिलवाना चाहिए था। 2018 और 2024 के इंतखाबात में ज्यादा फर्क नहीं। पीपल्स पार्टी को भी नतीज पर एतराजात हैं, लेकिन हम इसके लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे। हैरानी इस बात पर है कि एहतजाज वो कर रहे हैं जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज करने वाली जमातें 2002 से आज तक इंतखाबात नहीं जीतीं। बोले, मरकज में पीटीआई के पास हुकूमत बनाने के नंबर नहीं हैं। शहबाज शरीफ पीटीआई को भी शुक्रिया कहेंगे क्योंकि इन्होंने इनका रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। बानी पीटीआई ने फैसला किया होगा कि शहबाज शरीफ के मुकाबले में किसी को खड़ा नहीं करना। बोले, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं, ये मुल्क में मौशी बहरान चाहते हैं। कब्जा मैंडेट वाले हैं, ये जाली हुकूमत चलने वाली नहीं है। खौफ इस चीज का है कि इनका मैंडेट चोरी का है। इनका चोरी का मैंडेट में नाकाम हो रहा है। सब सहूलतकार बने हुए हैं और आवाम का सबने मिलके मैंडेट चोरी किया है। आज आपने एक जाली असेंबली को उनके मेंबरान को हलफ लेने दिलवाने के लिए आज आपने पूरी कराची बंद की है। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर जमात इस्लामी, जीडीए, पीटीआई और महाजिर कौमी मूवमेंट का एहतजाज। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस से प्रेस क्लब तक मार्च और धरना।
शारा फैसल समेत शहर की मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने खिताब में कहा कि सिंध असम्बली में बैठने वाले जाली मैंडेट वाले हैं, MQM और पीपल्स पार्टी का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। कराची में PTI और जमात को वोट मिले, ये पीपल्स पार्टी और MQM कहाँ से आ गई। तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख ने कहा कि कराची में मैंडेट चोरों की हिफाजत के लिए सड़कें बंद हैं। GDA के सफदर अब्बासी ने कहा जाली निज़ाम को चलने नहीं देंगे। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद GDA ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी 28 फरवरी को होगा। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। PTI के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं जैसे ही हमारी हुकूमत बनेगी अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे। चार साल पहले कराची में PIA का तैयारा इंसानी गलती की वजह से तबाह हुआ। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने हादसे की फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी। साल 2020 में एयरबस 320 मॉडल टाउन में गिरकर तबाह हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग से पहले 4 मरतबा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को लैंडिंग से रोका। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बताया था कि तैयारे की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान तैयारे के इंजन रनवे से टकराए। इंजन टकराने और शोले निकलने का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को नहीं बताया। दोनों इंजन रनवे से टकराने की वजह से मुतासर हुए। इंजन बंद होने से तैयारा हादसे का शिकार हो गया। 99 मुसाफिरों समेत 101 अफराद जान बहक हुए थे। 2 मुसाफिर खुशकिस्मती से बच गए थे। नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान से 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी मफादात के बजाय पाकिस्तान के मफादात को मुकदम रखना है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। नौजवान नस्ल ने खुद को गाली गलोच और बदतहजीबी से दूर रखना है। कामयाब तलबा फील्ड में जाकर जोश के साथ साथ होश से भी काम लें। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। मैडम पहली वजीर आला बन रही है, कैसा लग रहा है? अभी नहीं बनी, अभी। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। आप पहली खातून वजीर आला बन रही हैं, कैसा लग रहा है? सहाफी का सवाल। अभी नहीं बनी, वजीर आला बनूंगी तो फिर बताऊंगी, मरियम नवाज का जवाब। सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन जल्द शेड्यूल जारी करेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुश्तरक तौर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सदर का उम्मीदवार नामजद किया है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने पार्टी का शो कॉज नोटिस मुस्तरद कर दिया कि उमर अयूब इनके बॉस नहीं, बॉस सिर्फ बानी PTI हैं। जो बानी PTI कहेंगे वो करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शेर अफजल ने कहा कि उन्होंने किसी को ना अहल नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा था कि इलेक्शन में PTI के मैंडेट के चोरी होने पर जो एहतजाज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसके बाद शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गौहर के पास पहुँच गए और कहा कि बैरिस्टर गौहर के साथ इनका ताल्लुक बरसों पुराना है। बैरिस्टर गौहर आने वाले वक्त में भी PTI के चेयरमैन रहेंगे। नई कौमी असम्बली में जमींदारों की अक्सरियत। 9 मुंतखब 265 अरकान में से 112 का ताल्लुक जमींदारी के शोबे से है। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक के मुताबिक 83 कामयाब उम्मीदवारों का जरिया आमदनी कारोबार, जबकि 20 ने सिर्फ सियासत करने का बताया। कौमी असम्बली में 16 वकला, 7 डॉक्टर, 4 इंजीनियर्स, 4 उलमाए कराम और आलिम, 3 गद्दी नशीन, जबकि 3 का ताल्लुक दरस व तदरीस के शोबे से नजर आया। 13 9 मुंतखब मेंबरान दीगर शोबों से मुंसलिक हैं। कौमी असम्बली के नए मुंतखब मेंबरान में तालीम याफ्ता अरकान की अक्सरियत, ग्रेजुएट और मास्टर्स सर फहरिस्त। 265 में से 42% यानी 112 नौ मुंतखब अरकान की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन से। 63 के साथ मास्टर्स डिग्री होल्डर्स दूसरे नंबर पर हैं। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक में दिलचस्प आदाद शुमार सामने आए हैं। 9 मुंतखब अरकान में 42 LLB,
3 के पास LLM की डिग्री है, 10 MBBS डॉक्टर, 3 इंजीनियरिंग, 4 PhD और 2 MPhil की डिग्री भी रखते हैं। इंटरमीडिएट तालीम याफ्ता अरकान की तादाद 12 जबकि मैट्रिक तक तालीम याफ्ता नए मुंतखब अरकान की तादाद 9 है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए सैयद यूसुफ रजा गिलानी को हॉट फेवरेट करार दे दिया। कहा यूसुफ रजा गिलानी पार्टी चेयरमैन सेनेट बने तो मुल्तान से कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ देंगे, जिस पर पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर अपना उम्मीदवार मुंतखब करा लेगी। चुरिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले खवातीन जाबाजों ने भी महारत के जौहर दिखाए। माजी में लाहौर ने 2 ट्रॉफियां जीती हुई हैं, अभी पूरी टीम पर बुरा वक्त चल रहा है। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू, कहा बाबर आजम को ब्रेक लेना चाहिए। अदाकार उस्मान मजहर ने कहा कि लाहौर का हमेशा तगड़ा मुकाबला होता है। अदाकारा मरियम नफीस बोली लाहौर के हारने पर दुख हो रहा है, देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा रोज मारूफ सराय की शायर शाकिर शुजा आबादी के साथ नशिस्त का एहतमाम। ड्रामा निगार अजगर नदीम सैयद की लाहौर की दीवानगी के नाम से नशिस्त में गुफ्तगू। मारूफ ड्रामा निगार नूरुल्लाह शाह के साथ शाह अब्दुल लतीफ़ के कलाम पर गुफ्तगू।